रूप आपसी पारिवारिक कलह को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने का कार्य जनपद पुलिस द्वारा परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह द्वारा परिवार परामर्श केंद्र पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया गया। वहीं परिवार परामर्श केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि अधिक से अधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करने का कार्य किया जाए। दो फैमिली है। ये कौन है? ये तो जैसे हां इसी अपने है। नहीं सर, ये मुकदमा लिखवा चुकी हैं, ये जाना नहीं चाहती है। कौन लिख दिया? तो वो मान ही नहीं, ये मान नहीं रहे। बताओ बताओ, और चाहती है कि मैं यहाँ सर्वाइव नहीं चाहती है। ये पिछले वो औरत का आदमी नहीं आ रहा है, उसको अगले डेट पे बुलाया गया 14 को। आपस में इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि आपको जानकारी है कि शासन की मंशा के अनुसार जो घरेलू विवाद हैं जिनकी वजह से फैमिलीज टूट रही हैं, ऐसे जो छोटे मोटे विवाद हैं उनको प्रयास करके पुलिस के प्रयास से सॉल्व किया जाए और जो दोनों पक्ष हैं, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, दोनों को बिठा के बात की जाए ताकि जो परिवार है वो टूटे नहीं। और इसीलिए महिला थाना के पास गोरखपुर जनपद में एक परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें लगातार काउंसलिंग का कार्य किया जा रहा है। इसमें पुलिस महकमे के साथ साथ जो समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं वो वॉलंटरली इसमें पार्टिसिपेट करके काउंसलिंग लोगों की कर रहे हैं और हम काफ़ी हद तक परिवारों को जोड़ने में सफल हो रहे हैं और जो इसका उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो रही है। निदेशक के दौरान कुछ ऐसे परिवार पाए गए हैं जो जिनका आपका आपसी सुलह समझौता कराया गया? आज जो कुछ परिवार आए थे उसमें अभी तक एक परिवार का सुलह समझौता करवाया गया है, बाकियों में अग्रिम डेट दी जा रही है।